वो कहते हैं अपनी शिक्षा का 25% अपने बजट का 25% शिक्षा पे लगाते हैं और इसके बाद भी 2 घंटे की शिक्षा पाते हैं लोग। एक क्लास में 2 तरफ मुंह करके पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, बच्चों को गंदा पानी मिल रहा है। देखिए मनीष सिसोदिया जी का ये भांडा फूट चुका है। मैंने कहा ना 1020 स्कूल हैं और आपने एक भी नए स्कूल नहीं बनाए और आपने 5-6 स्कूलों को थोड़ा रंगाई पोताई करके आपने कह दिया शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई। सैंपल क्लासरूम से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी या फिर 1020 स्कूलों को दुरुस्त करने से ठीक होगी? अब तो सच्चाई आप सबके सामने है कि हम मनीष सिसोदिया जी को चुनौती देते हैं कि जिन स्कूलों में हम गए हैं, हम जहां गए हैं वहां भी चले, जहां डीएम ने गेट बंद कराया वहां भी चले, और मुस्तफाबाद का जो स्कूल है जहां एक कमरे में बच्चे आधा उधर मुंह करके इधर भी, वहां भी चले। अब कल तो हम बुलाए ही थे, आए ही नहीं लोग, यहीं पीसी करके बोले थे ना कि ये समय दीजिए, फिर फोन भी करवाया, आने को तैयार नहीं, केवल बातों से चलेगी दिल्ली? तो आज भी हम मनीष सिसोदिया जी को चुनौती देते हैं, आप मीडिया को बुला लीजिए। आपको मीडिया के जिस व्यक्ति से बातचीत करने में आसानी होती है, जिनके सवाल आपके पक्ष में दिखते हैं, उन्हीं को बुलाइए, हम उनके साथ चलना चाहते हैं। मेरी चुनौती स्वीकार करें।